प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में वह 1500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में भारत और जापान के सैकड़ों वर्ष पुरानी मित्रता का प्रतीक रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। आपको बता दें कि वाराणसी के सिग्रा में 186 करोड़ रुपए की लागत से बना यह कन्वेंशन सेंटर तैयार है। पीएम भारत और जापान की मित्रता के प्रतीक इस सेंटर का लोकार्पण कर स्मृति में रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। मौके पर नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास के अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही जापान के प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश भी इस अवसर पर प्रसारित किया जाएगा। आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव 12 दिसंबर 2015 को रखी गई थी, जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे वाराणसी के तक्षाशमेध घाट पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के पीएम नोगंगा का दुग्धाभिषेक किया था। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA के सहयोग से 5 वर्षों में रुद्राक्ष का निर्माण पूरा हो गया है। आइए जानते हैं क्या है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। 12 दिसंबर 2015 को रखी गई थी कन्वेंशन सेंटर की नींव। 1200 लोगों के बैठने के लिए मौजूद है अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉल। जरूरत के समय दो हिस्सों में बट सकता है हॉल। यहाँ वियतनाम की कुर्सियां और जापान का लगा है ऑडियो और वीडियो सिस्टम। सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने हैं 108 सांकेतिक वाले रुद्राक्ष। कन्वेंशन सेंटर के हॉल के मुख्य द्वारों पर दिव्यांगों के लिए है व्हील चेयर की सुविधा। ब्रेल लिपि में गैलरी, सीढ़ी, लिफ्ट, शौचालय, फूड कोर्ट और हॉल की है जानकारी। 3 एकड़ यानी 13,196 स्क्वायर मीटर जमीन में हुआ है कन्वेंशन सेंटर का निर्माण। 186 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर। बेसमेंट में है 120 वाहनों के पार्किंग की सुविधा। जापानी शैली का बनाया गया है गार्डन और की गई है लैंडस्केपिंग। 2 मीटिंग हॉल है कन्वेंशन सेंटर में 150 लोगों की क्षमता के साथ। इसमें एक VIP कक्ष और 4 ग्रीन रूम है। आग से बचाव के लिए मौजूद है अत्याधुनिक यंत्र जो कर सकते हैं खुद बचाव। स्मोक और हीट डिटेक्टर के साथ लगे हैं 12 वाटर कंटेन। इस खास तरह से पिछले 5 सालों में बना है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, जो पीएम मोदी और जापान के अंतरिम पीएम आबे की मित्रता का प्रमाण है। सनिष्ठा TV से रौनक पारिक की रिपोर्ट।